कम इन सर। आइए संदीप कुमार जी, आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, बैठिए। थैंक यू सर। आपसे हिंदी में करें वार्तालाप? जी सर। अच्छा, कुछ बताएंगे अपने बारे में? एक मिनट, दो, एक डेढ़ मिनट में बताइए अपने बारे में संक्षिप्त में। जी, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं बिहार राज्य के भागलपुर जिले का मूल निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर जिले से ही पूरी की है। हाँ। और उसके बाद मैंने NIT राउरकेला से सिरामिक इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। और उसके बाद मैंने वेदांता लिमिटेड झासुगुड़ा में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में 2 साल कार्य किया है। और जुलाई 2018 से मैं पूर्णतः सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। ये वेदांता किसकी कंपनी है? वेदांता अनिल अग्रवाल की है या कोई अलग कंपनी है? जी, चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी हैं। जी, अच्छा, आप उनकी बनके बताइए, उनके कंपनी में क्या प्रॉब्लम आई थी आपको पता है? कोई बड़ी समस्या आई थी उनकी कंपनी में? जी बिल्कुल। क्या हुआ था? उड़ीसा में ही जो नियामगढ़ी हिल में माइनिंग का प्रोजेक्ट था। नहीं, और जी उसके कॉपर के कहीं के में जी टूटी खुरीन में कॉपर। हाँ। कॉपर में 2017 में ये हुआ था। हाँ। सर, और वहाँ पे पॉल्यूशन के कारण लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हाँ। और उसके बाद पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की जान भी गई थी। हाँ, हाँ। मेरी बात हो रही थी मेरे लोग से कि मैं 1-2 घंटा साथ बैठे थे। जी जी, तो मैं पूछ रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा चलते रहता है सर, बात तो ऐसा है कि हर जगह कोई ना कोई समस्या रहती है। जी, तो लेकिन आपने कंपनी भी छोड़ दी उनकी? अच्छी कंपनी, अच्छे आदमी है, बढ़िया है, पर एक्सपैंड भी कर रहे हैं। जी, आई थिंक ही इज ए गुड पर्सन, आई नो हिम पर्सनली। जी, तो आपने 2 साल काम किया? जी, क्या काम किया था आपने? जी, मैं असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम किया। सिरामिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आपने फिर तो आपने जो आप जो उस समय 2 साल पहले, मतलब उस समय आप करीब 24 साल के थे। जी बिल्कुल। तो क्या आप सेटिस्फाइड नहीं थे उस काम से? क्यों छोड़ा आपने उसके बाद सिविल सर्विस? तो क्यों छोड़ दिया आपने? जी, मैंने जो 2 साल कार्य किया उसमें मेरा काफ़ी रिच एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन फिर मुझे ये भी लगा कि सिविल सर्विस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पे वाइडर प्लेटफॉर्म मिलेगा और सोसाइटी के लिए डायरेक्टली काम कर पाएंगे। एक बताइए मेरे को, ये हिंदुस्तान में जी जिसको हर आदमी को लगता है कि सिविल सर्विस सबसे अच्छा है, जी मैं समाज के लिए काम कर पाऊंगा। जी बिल्कुल। लेकिन जो 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 धनी देश हैं जी, तो वहाँ कोई सिविल सर्विस ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। जी, ये फर्क क्यों है? जी, मुझे लगता है कि इंडिया में जो सिविल सर्वेंट को पावर्स और अपॉर्चुनिटी मिलता है वो यूनिक है, और इतना मुझे नहीं लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है। क्या पावर है सिविल सर्वेंट के पास? जैसे कि सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो वो अगर जिला स्तर पे कार्य कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदमी 2 साल रहता है। जी, IAS, यदि IAS की 30-35 साल की सर्विस है। जी, एक पोस्टिंग मिल गई। जी, बहुत हुआ 2 मिल गई। जी, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो एक नाम है। जी जी, पूरी जिंदगी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 10% जॉब मुश्किल से करता है। जी, तो डिस्ट्रिक्ट परसेंट का जो क्राइटेरिया सोचना, जी आपको लगता है उचित है? जी, उसको उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है। जी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो कोई सब कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यकाल लिमिटेड रहता है, और उसके बाद जो है ऊंचे जो पद होते हैं सेक्रेटरिएट में जो कार्य करना पड़ता है उसमें मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है सिविल सर्वेंट काम करता है। विदेश सेवा में आप जाएंगे तो क्या क्या लगता है, क्या कर सकते हैं आप विदेश सेवा में जाएंगे तो? आपने नंबर 3 प्रेफरेंस दिया है विदेश सेवा का, उसमें क्या रोल आप अदा कर सकते हैं आपको लगता है? जी, जैसे मुझे लगता है कि इंडिया जो है एक राइजिंग पावर है, और अगले 30-40 साल में जो इंडिया का जो राइज होगा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें देश को रिप्रेजेंट करना है, मुझे लगता है एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा सर। और अच्छा, अभी आपने पढ़ा होगा काफ़ी है, प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं हिंदुस्तान। जी, तो क्या उम्मीद है हमको उनसे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस विजिट से आप, इस विजिट का क्या महत्व है? जी, सबसे पहले तो जैसे एक ट्रेड डील की बात हो रही है, 10 बिलियन ट्रेड डील की बात हो रही है, और उसमें हो सकता है, और उसके बाद डिफेंस में भी बहुत सारे कॉपरेशन हो सकते हैं। जैसे हम लोग NASAMS-2 खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम दिल्ली को प्रोटेक्ट कर पाएँ, और इसी तरह से और भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह की भी बात चल रही है। और तीसरी है कि सर इसमें जियो पॉलिटिकल में, जैसे कि अभी पाकिस्तान से जो प्रॉक्सिमिटी है US का, तो इससे भी अगर हम ट्रंप साहब के साथ अच्छे से बात कर पाएंगे तो शायद अफगानिस्तान में हम अपने पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रेंथ कर पाएंगे। अच्छा, ट्रंप बार बार बोलता है कि भाई मैं मीडिएशन करने के लिए तैयार हूँ। जी, 4-5 बार बोल चुका है। जी बिल्कुल, हम डिनाई करते हैं लेकिन वो बोलते रहता है। जी,
इस तो पाकिस्तान से उसके अच्छे संबंध हैं जैसा आप कह रहे हैं, जी तो ये क्या ख्याल आपका मीडिएशन का जो ऑफर है उसको हमको लेना चाहिए? जी मेरा पर्सनल ख्याल है कि इसमें मीडिएशन नहीं लेना चाहिए, और इंडिया का भी यही स्टैंड है कि ये बायलैटरल इशू है और इसको जो है भारत पाकिस्तान मिलके ही सॉल्व करेंगे और किसी तीसरे पक्ष को की हम बात को नहीं लाना चाहते। आपका सब्जेक्ट में देख रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन के अलावा पॉलिटिकल साइंस भी है। जी अभी सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन बड़े महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, कुछ कहा है, कुछ ध्यान कर सकते हैं आप पिछले दो चार पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण बातें की हैं? जी एक तो रिजर्वेशन को लेकर के उनका बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, क्या बोला उन्होंने? जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि जो भी रिजर्वेशन है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है और इसमें जो है स्टेट को ऑप्शन है, वो चाहे तो इसको दे सकते हैं और उसके लिए क्वांटिफाइबल डाटा होना चाहिए। मतलब तो क्या उन्होंने क्या 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 किस बेसिस पे ऐसा किया? रिजर्वेशन तो चैप्टर 3 में है। जी बिल्कुल, चैप्टर 3 तो फंडामेंटल राइट ही है। जी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पे ऐसा कहा है कि स्टेट बाउंड नहीं है? मतलब क्या टेक्निकल बात क्या थी, क्या रीजन क्या दिया उन्होंने, आर्गुमेंट क्या दिया? जी मुझे लगता है उनका आर्गुमेंट ये है कि जैसे कि आपने कहा कि पार्ट 3 में भी इसका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन और भी कहीं है और भी है सर रिजर्वेशन का कहीं और किसी का और कहीं भी है डिस्क्रिप्शन? जी बिल्कुल, किस चैप्टर में है? जी मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर उसको। और इसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जैसे कि उसमें फंडामेंटल राइट में भी ये लिखा है स्टेट सेल प्रोवाइड सच प्रोविजंस, तो स्टेट सेल का मतलब होता है कि सर चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हैं अगर स्टेट को ऐसा लगता है, स्टेट इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड एंड सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरवीन टू एंड फोर्स स्टेट टू प्रोवाइड। थैंक यू सर। संदीप जी आप बिहार से हैं जी, और बड़ी इंटरेस्टिंग सिरेमिक इंजीनियरिंग में आपने जी बीटेक की। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले तो बिहार के बारे में कुछ बताएं, बिहार के 3 सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं जी, और आपकी दृष्टि में वो उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? जी सबसे बड़ा बिहार का जो चैलेंज है मुझे लगता है ह्यूमन डेवलपमेंट में बिहार काफ़ी पीछे रह गया है। हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और एजुकेशनल और हेल्थ में भी बिहार बहुत पीछे है। और सर दूसरा चैलेंज हमको लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार काफ़ी पीछे रहा है, जैसे कि 17% का GDP बिहार का GDP उसमें हमारा इंडस्ट्री से आता है। और तीसरा चैलेंज सर मुझे लगता है कि खास करके कोसी नदी को लेकर के और दूसरी नदियों से जो बाढ़ आते हैं तो इसको लेकर के भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें सर मेरा सुझाव रहेगा कि सबसे पहले जो है बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट में उसमें हमको काम करना ही पड़ेगा, जैसे हेल्थ और एडुकेशन को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा सर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जैसे हम छोटे उद्योग अगर खड़े कर पाएँ, MSMEs खड़े कर पाएँ और खास करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर इंडस्ट्रीज वहाँ पे ले जा सकें, तो इससे न केवल किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी बल्कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। सर आप सिरेमिक टाइल मैन्युफैक्चरिंग में जी कार्बन फुटप्रिंट कितने होते हैं और क्या इसमें कमी लाई जा सकती है? क्योंकि भारत की सिरेमिक प्रोडक्शन जी एक सबसे बड़ी शिकायत यही है जी, कितना फुटप्रिंट है और आप कैसे इसमें कमी लाई जा सकती है? सर जैसे सिरामिक टाइल्स में उसमें एक फायरिंग का प्रोसेस रहता है, जब फॉर्म कर देते हैं उसका उसको फायर करते हैं, तो इसमें जो है खास करके जो भी हम उसके लिए जो फ्यूल का यूज करते हैं, तो कई बार ये जिसको हम कहते हैं डर्टी फ्यूल HFO वगैरह यूज करते हैं, तो इससे कार्बन फुटप्रिंट भी है और ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले भी। कितना कार्बन फुटप्रिंट एक साल में हम लोग कर लेते हैं? भारत में जितनी भी सिरेमिक जी इंडस्ट्रीज हैं वो कितना कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट करती है? जी इसके बारे में मैं श्योर नहीं पता कोई जी। तो कैसे इसमें क्या किया जा रहा है जिससे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन हो? जी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पेट कोक के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है, वो भी फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, वो एक चीज़ है सर। और उसके बाद अगर फायरिंग प्रोसेस में हम इस तरह से कुछ ले सकें, इलेक्ट्रिकल हीटिंग इस तरह से अगर कर पाए और इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करें, कोई दिक्कत आ रही है उसको करने में? आपने तो इंस्टीट्यूट से किया है, क्या उसमें आपको ये नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रिक हीटिंग जी संभव है? जी इलेक्ट्रिक हीटिंग बिल्कुल संभव है और ये बहुत सारे फर्नेस इलेक्ट्रिकल होते भी हैं,
और लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अगर रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट ना करें तो उसमें फिर कार्बन फुटप्रिंट भी तो कम नहीं होगा सर। इसका इंटीग्रेशन विद एनवायरनमेंट बहुत पुअर है जी। जब एक्सकेवेशन होते हैं तो उसमें मिट्टी के बर्तन ही निकलते हैं जी, और इसी तरह सेरेमिक टाइल्स भी, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती है जी। तो क्या करना चाहिए कि हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली सेरेमिक टाइल्स बना पाए? पहले तो सर जो भी रॉ मटेरियल्स जो हम लोग जहाँ से भी निकालते हैं तो उसमें अगर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच को ला सकें। किसी ने काम किया है इस विषय में? क्योंकि ये तो जी आप तभी जवाब दे पाएंगे जब आपको मालूम है कि किसी ने इसमें कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जो जिसको प्रमोट करती है जी। जैसे कि हमारे बॉक्साइट माइनिंग होते हैं तो उसमें बहुत सारे अवशेष रह जाते हैं, वेस्ट के रूप में जाते हैं, अगर उससे हम सिरामिक मटेरियल प्रोड्यूस करें तो ये भी एक आया है सर इसमें। अच्छा, आपने बजट देखा इस बार का? जी सर। जी सर, बजट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया था, विवाद से विश्वास तक जी। विवाद से विश्वास तक जी, ये क्या इंगित करता है? सरकार की कौन सी धारणा को इंगित करता है? सर ये इनकम टैक्स से रिलेटेड स्कीम था और इसमें जो जैसे कि हमारा जो अभी टैक्सेशन का प्रोसेस है तो उसमें बहुत सारे विवाद होते हैं, जैसे कि कितना टैक्सेशन होना चाहिए और उसके जजमेंट को लेकर के फिर होता है, जैसे कहते हैं एक तरह से टैक्स टेररिज्म, लोग परेशान होते हैं टैक्स देने में। तो सरकार का ये प्रस्ताव है कि टैक्स प्रोसेस को ईजी किया जाए और इसमें क्लैरिटी लाया जाए और इसमें जो भी इस तरह के जो डिस्क्रिशनरी पावर रहते हैं उसको कम किया जाए। थोड़ा दोबारा देखिएगा जी, विवाद से विश्वास तक कई चीजें हैं जी। बिल्कुल, आपने 2018 में नौकरी छोड़ दी जी वेदांता की जी। तो वेदांता की नौकरी में आपने क्या सीखा जो आप चाहते हैं कि अगली पोस्टिंग में अगर सरकारी पोस्टिंग होती है तो वो आप लागू करना चाहेंगे? ऐसी कोई चीज सीखी आपने जो आप चाहते हैं कि हम सरकार में अगर आ गए तो हम लागू करेंगे जी? सबसे पहला सर वेदांता के एक्सपीरियंस में मुझे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसके इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट होता है तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, उसके रेगुलेशंस के बारे में समझने का मौका मिला। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हमारे रूल्स हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाते हैं, तो उसको मैंने देखा कि अगर ग्राउंड लेवल पर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसमें हम बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं सर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में। और दूसरा सर मुझे ये भी लगा कि इस तरह की कंपनीज जो है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें इस तरह की कंपनीज को प्रमोट करना ही पड़ेगा, तभी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा पाएंगे। सर, आपके फादर एग्रीकल्चरिस्ट हैं जी, ओके, सो आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है इस समय? इस समय सर जैसे कि एग्रीकल्चर में सेक्टर में हम देखें तो रूरल डिमांड भी पहली बार कम हो रहा है बहुत सालों बाद, तो और उसके बाद मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है सर कि फार्मर्स को जो है उसको अपने प्रोड्यूस का एक्चुअल प्राइस नहीं मिल पाता है, बिचौलियों ज़्यादा इसमें कमा लेते हैं। और जैसे कि अशोक दलवाई कमेटी आई थी तो उन्होंने भी इस बात को माना था कि 15-40% जो ही है वो फाइनल कंज्यूमर का वो किसानों तक जाता है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही कम है। तो आपने कहा कि रूरल डिमांड कम हो गया, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, तो रूरल डिमांड क्यों कम हो गया? जी, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसानों की आमदनी ये रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादातर किसान लोग रहते हैं, तो अगर उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं होगी तो रूरल डिमांड में प्रॉब्लम आएगा सर। उनकी आमदनी कम होने की क्या रीज़न? सर जैसे कि हम देखें कि पिछले 2 सालों में जैसे फूड प्राइसेस भी काफ़ी क्रैश हुए हैं, और हालांकि अभी उसमें राइज हुआ है तो वो एक फैक्टर है सर। और दूसरा सर कि अभी तक हमारे स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी जो हमारे 50% लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर हैं, जबकि GDP में इसका हिस्सा केवल 16% है, तो इसके कारण जो है लोगों जो इस पर डिपेंडेंट है उसकी आमदनी काफ़ी कम है, तो इसके कारण भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूरल डिमांड पर इम्पैक्ट। अगर आप देखें तो उनको प्राइस नहीं मिल पा रही है, आपका कहने का मतलब है? जी बिल्कुल। ओके, प्राइस MSP आप करना चाहते हैं जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे तय किया जाता है आप बता सकते हैं? जी, इसमें जो फाइनली इसमें एक कमिटी रहता है, कमिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड ऐसा ही करके कुछ ऐसा,
और वो जो है रिकमेंड कर दिया सर। आप अगर ने देखा होगा तो रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सी आई थी जी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, वो कंट्रोवर्सी क्या थी सर? इसमें जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको इसमें ये बात की गई थी जो भी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगा उसके 1.5 टाइम्स हम उसको रखेंगे सर। वो क्या क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे 1.5 टाइम्स कह रहे थे, क्या आप उस क्राइटेरिया को बता सकते हैं? क्योंकि किसान कह रहे थे कि हमें 1.5 टाइम्स जी, नहीं जी, पर इस गवर्नमेंट जो है वो कह रही थी कि हमें 1.5 टाइम्स जी जी, तो आप बता सकते हैं कि कोई कमेटी ने या क्या कंट्रोवर्सी था? कंट्रोवर्सी बेसिस जी MS स्वामीनाथन कमेटी था, उन्होंने ही ये रिकमेंड किया था कि जो है फार्मर का जो प्रोड्यूस है उसका 1.5 मिलना चाहिए। yes. और इसमें सर A2 प्लस FL ये फार्मूला अपनाया गया था। yes. तो इसमें जो है जो भी हम उसके प्रोडक्शन के लिए जो इक्विपमेंट डालते हैं और उसमें जो उसका जो कॉस्ट आता है वो काउंट नहीं होता है, तो फार्मर चाहते थे कि ये भी उसमें। सो A2 प्लस FL की बात की एंड देन स्वामीनाथन कमेटी ने सजेस्ट किया था C2 फार्मूला होना जी, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वही जो कैपिटल इनपुट जो होता है उसके प्राइस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और जो भी उसमें जो कैपिटल गुड को खरीदने के लिए जो प्राइस लगता है उसका जो उसमें जो इंटरेस्ट होता है उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। आप बिहार में रहते हैं, बिहार में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या आपको प्रॉब्लम लगती है? वहाँ पे स्पेसिफिकली बिहार के लिए क्या प्रॉब्लम है? जनरल देखा भारत में जी, बिहार में क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है? मिट्टी तो देखिए अच्छी है वहाँ जी, बिल्कुल ना, प्रोडक्शन वो अच्छी हो सकती है जी, तो क्या रीज़न है कि वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है वहाँ पे? और स्वतंत्रता के बाद हमने कंटिन्यूसली वो ग्रोथ नहीं कर पाया जी, वो पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है? सर बिहार में मुझे लगता है खास करके जो पोस्ट हार्वेस्ट जो होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और लिंकेजेस की कमी है, तो इसके कारण भी जैसे कि फार्मर्स का जो भी प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट से लिंक करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उससे लिंकेज नहीं। पता हो तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी लाई है मार्केटिंग के लिए, ई नाम जी सुना होगा जी, तो ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही? क्या ये सक्सेसफुल जी, इसको मैं पूर्णतः सक्सेसफुल तो नहीं मानूंगा। सबसे बड़ा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो कनेक्टिविटी की बात की गई है मार्केट को लेकर के, तो ये जो है कहीं डिस्ट्रिक्ट में एक जो मार्केट होगा उसी को कनेक्ट कर पाएंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद क्या होगा कि सर जो किसान है वो उस मार्केट में बेचने के लिए आते नहीं हैं, तो बिचौलियों का रोल बच ही जाता है। तो मुझे लगता है जब तक ग्रामीण मार्केट को हम इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट नहीं करेंगे जैसा कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया तब तक ये प्रॉब्लम बना रहेगा सर। ठीक है, आपकी एक हॉबीज है मेडिटेशन जी, ओके, क्या मतलब है मेडिटेशन का? सर मेडिटेशन को जैसे ध्यान कहते हैं तो इसमें कोई किसी एक चीज़ पे फोकस किया जाता है, तो इसमें प्राइमरली इसका ही है। कई स्कूल्स है मेडिटेशन के जी, आप कौन से स्कूल को प्रैक्टिस करते हैं? जी मैं आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया होता है उसको मैं फॉलो करता हूँ। सुदर्शन क्रिया को अगर आपको करना है तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसमें? उसमें प्राणायाम से स्टार्ट होता है सर, और उसके बाद ओमकार का उच्चारण होता है, और उसके बाद सांसों के रिदम की बात होती है जिसको सोहम के साथ उसको रिलेट करते हैं। ओके, तो अगर आप जानते हो तो बिहार में भी एक ऐसा कोई स्कूल है मेडिटेशन का जी, वो कौन सा स्कूल है? जी मुंगेर में ऐसा एक बिहार स्कूल ऑफ योगा करके आया है। कभी आपने सुना उनके बारे में? वो कौन से स्कूल की प्रैक्टिस करते हैं जी, इसके बारे में पूर्णतः बैठनी। संदीप आपके पास पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट रहा है जी, और अभी आपने कुछ दिन पहले दिखा होगा कि पॉलिटिकल कुछ हलचल हुई है जी, राइट जी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तो आपने देखा ही होगा कि एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं इसको जी, और कि कोई नए लोग आते हैं एक पार्टी बनाते हैं और वो फिर लगातार जीत रहे हैं जी, और नेशनल पार्टीज भी हैं और रीजनल पार्टीज भी हैं जी, सारी पार्टी में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप इसको किस तरह से देखते हैं इन द टोटल सिनेरियो जो इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है? सर इस तरह की पार्टी मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेसी हमारा वाइब्रेंट है और लोग अवेयर हैं, ये इसको दर्शाता है, क्योंकि लोग बिल्कुल जो है जो भी पार्टीज हैं उसके काम को देख करके वोटिंग कर रहे हैं और रीजनल और नेशनल इश्यूज को अलग करके वोटिंग कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है एक तरह से वोटर में काफ़ी अवेयरनेस है सर, तो ये डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी अच्छा है सर। ओके,
आपको लगता है इससे डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा वो स्ट्रांग होगा? जी बिल्कुल। तो अगर ऐसे आपको लगे कि हर एक राज्य में इसी तरह का होने लग जाएगा जी, तो आपको क्या लगता है क्या होगा उसका? बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट होंगे जी, तो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज बना के आएंगे जी, तो आप क्या देख पाते हैं कि इंडिया का क्या हासिल होगा? सर जैसे कि नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टी में बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट आता है सर, जैसे कि अभी भी जो CA और NRC उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं, तो इस तरह के टेंशन आते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये क्लियरली फेडरल है, और यहाँ पे जो है नेशनल गवर्नमेंट है उसका जो है दायरा अलग बांटा हुआ है और स्टेट का अलग बांटा, हालांकि कुछ इसमें ग्रे एरिया भी है जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो ये सब है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बाय डिजाइन है, इसमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हुआ था इम्पीचमेंट का प्रोसेस जी, क्या मुझे बता सकते हैं ब्रीफली व्हाट इज द प्रोसेस क्या है इम्पीच करने का? जी, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करने के लिए बात की गई थी, तो उसमें वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट का ये प्रोसेस है कि अगर किसी प्रेसिडेंट को हटाना है तो उन्होंने कोई हाई क्राइम किया हो या डिमिनियर किया हो जिससे कि मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता हो, तो वहाँ के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं और हाउस ऑफ सीनेट हैं तो इन दोनों के पास पावर है कि वो इम्पीच कर सकते हैं। तो इसके लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसको इम्पीचमेंट का पावर दिया गया है जिसमें 50% मेजोरिटी चाहिए, और सीनेट में सर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3 से सर। तो सर सी, मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने किया हुआ बीटेक जी इन सिरेमिक इंजीनियरिंग, विच इज अ यूनिक जी, अलग से है, एंड उसके बाद वेदांता में गए आप जो कि सिरेमिक से आपका जो काम था सिस्टम में सिरेमिक से जुड़ा हुआ था। जी बिल्कुल, सिरेमिक से जुड़ा था, और उसके बाद आप छोड़ के तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की जी। आज की डेट में जो इंडियन सिस्टम है पॉपुलेशन जो तेजी से हो रहा है, एक बहुत ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से इंडिया गुजर रहा है, यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है जी, राइट? आप अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया जी, जैसे अभी क्या रिप्रकशंस होंगे जी? जैसे हम अभी बात करते हैं कि इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज से गुजर रहा है, और हमारे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी बताया है कि 2040 तक ये हमें प्रोपोर्शन ऑफ जो वर्किंग पीपल है वो बढ़ते रहेंगे। तो इसका सर बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, खास करके इकोनॉमी पे इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इससे एक देश को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जो उसका लेबर कॉस्ट कम होता है और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कम रहते हैं, तो इस फेज में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। और सर दूसरा सर ये लगता है कि मुझे सर ये सोशल परस्पेक्ट में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम यूथ के एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, तो इस फेज में सर बहुत सारे जो है हम अपॉर्चुनिटीज जो हैं अगर हम पॉलिटिकल परस्पेक्टिव में मिल लें तो इसको हम रीप कर सकते हैं सर। सोचते हैं कि बहुत बड़ा खतरा भी है कि आज की डेट में वो कहते हैं कि 65% पॉपुलेशन जो है 35 साल से कम उम्र के जी लोग हैं उसमें जी, यूथ है उसमें जी, तो इतने जॉब्स ही नहीं हमारे पास कि इतने करें, तो आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट का बहुत भयंकर सिचुएशन आने वाला है? जी बिल्कुल, अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से रीप नहीं कर पाए तो ये एक डेमोग्राफिक डिजास्टर भी हो सकता है। तो ये तब होगा सर कि अगर हम अपने लोगों को स्किल नहीं कर पाए, उसको पढ़ा नहीं पाए, या उसकी हेल्थ को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। और दूसरा सर स्किलिंग के बाद आता है कि अगर हम जॉब क्रिएट ना कर पाए, तो ये दोनों परपेक्ष में इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और MSMEs और ऐसे प्रोडक्ट हमको बनाने पड़ेंगे जिसको हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाए। तो जैसे कि अभी बात चले जैसे कि मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, जो भी नेटवर्क प्रोडक्ट हैं, उसमें अगर हम स्पेशलाइज कर पाएँ तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा सर। सर आपने कहीं मैं देखा कि आपने लिखा में पोइट्री भी एक हॉबी है जी, तो आप लिखते भी हैं या पढ़ते हैं पोइट्री? जी मैं लिखता भी हूँ। आप लिखते भी जिस तरह की पोइट्री आप लिखते हैं? जी मैं ज़्यादातर नेचर और स्पिरिचुअलिटी, ये दो सब्जेक्ट पर लिखता हूँ सर। नेचर और स्पिरिचुअलिटी जी। कोई ऐसा पोएट जो कि स्पिरिचुअलिटी पे लिखता है, हिंदी में आप ऑब्वियसली लिखते होंगे? जी नहीं, मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। आप इंग्लिश में लिखते हैं? जी। बहुत बढ़िया। तो कौन सा आपका फेवरेट पोएट है? जी मेरा फेवरेट पोएट लाल देद हैं, वो कश्मीरी पोएट थे 14 सेंचुरी के, वो इंडिया में फेवरेट हैं। उसके बाद अरविंदो घोष भी मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा एक ना एक पोएम है जो मैं भी कभी कभी देखता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी, ये किसने लिखी हुई है, सुना है? जी मैंने सुना है, मैं श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने लिखा सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो संजीव सिंसा बिहार से हैं जी। ठीक है, मुझे ये बताइए बिहार में कितने शहरों में
स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है? सर अभी तक 4 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है, इसमें पटना है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ और भागलपुर है। सर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी स्टेट से तो ये 4 बहुत कम है जी। इसका क्या रीज़न है, नंबर पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, एक शहर को स्मार्ट सिटी चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं? जी जैसा मुझे लगता है कि जो कम है बिहार में, तो इसका जो भी स्मार्ट सिटीज को बनाने के लिए एक बात की गई थी, उसके एप्लीकेशन उसमें डालना था स्टेट्स को, जो भी सिटीज को बनाना चाहते थे स्मार्ट सिटी। तो इसमें कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे जो कि मिनिमम वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि SPB बना के इसको इम्प्लीमेंट कर सके सर। और इसमें एग्जैक्टली क्या क्या क्राइटेरिया है ये मुझे अभी याद नहीं है सर। सिंस आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव के नतीजे आए थे जी, और अगर हम लीडिंग देश में लीडिंग पार्टी BJP की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस उम्मीद के अनुसार कुछ अच्छा नहीं रहा सर, आप इसके क्या मेन कारण देखते हैं? सबसे बड़ा कारण मैं देखता हूँ कि जो पुरानी आपकी जो सरकार थी, तो इसको लेकर के लोगों में यह भाव था कि इन्होंने अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में। और इसमें जैसे कि एडुकेशन में मुझे लगता है पर्सनली कि इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, और बहुत तरह के पॉपुलिस्ट मेजर भी लिए थे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम कर दिया गया था लोगों पर, और लेडीज़ को जो है वो मुफ्त में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि इसमें खास करके आपकी तरफ जो रुझान था उसके कारण ये नतीजा हुआ है सर। आखिरी सवाल आज के लिए, आपने सिनेमैटिक इंजीनियरिंग की है जी, ये आपको सिविल सर्विसेज में किस तरह सहायता करेगी? सर देखिए सिरामिक इंजीनियरिंग में पहला तो सर जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस रहा है, तो इससे मुझे काफ़ी कुछ इंडस्ट्री के बारे में समझने को मिला है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को, तो ये मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा सर जैसे कि हम नॉन मेटेलिक मटेरियल्स लें, तो इसमें MSMEs में काफ़ी हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे टाइल्स की बात होती है सर, रिफैक्ट्रीज की बात होती है, ग्लास की बात होती है, तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा समझ है, तो इसमें अगर किसी एरिया में अगर इसमें काम कर पाऊँ तो इसमें एक्सपोर्ट भी प्रमोट हो सकता है और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है सर। ठीक है सर, ये बताइए आपने IPS भी आया जी, इंडिया में बहुत दिन से पुलिस के बारे में सवाल उठते हैं, पुलिस रिफॉर्म के बारे में जी काफ़ी बातें उठती रहती हैं, क्या ख्याल है आपका पुलिस रिफॉर्म के बारे में? पढ़ा आपने, सुना है पुलिस रिफॉर्म की? जी, क्या ख्याल है आपका, कैसे रिफॉर्म किया जाए इसको, क्या रिकमेंडेशन है, क्योंकि पुलिस और जनता में काफ़ी डिस्कनेक्ट है। जी बिल्कुल, ये भी है, दूसरा ये है कि पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत लोग ये बात करते हैं, तो एक दो क्या रिफॉर्म जरूरी है आपके हिसाब से? देखिए सर, आपने जैसे बताया कि प्रकाश सिंह बादल का केस हुआ था 2006 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिए थे पुलिस रिफॉर्म को लेकर के, उस बात को 13 साल हो गए जी सर, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट सरकार क्यों नहीं कर रही है? सर इसमें सबसे पहला मुझे लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो उनका पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल है वो उसको कम नहीं करना चाहते हैं, तो इसका एक पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है सर। और क्या रीजन है दूसरा? दूसरा सर मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पुलिस को उस तरह से हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरा सर क्या नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी उसकी कमी है सर, जैसे कि डिजिटलाइजेशन की बात करें या फिर पुलिस को सफिशिएंट इक्विपमेंट अवेलेबल है, तो रिफॉर्म उसका तो रिफॉर्म करने से अच्छा ही रहेगा जी, रिफॉर्म होगा जी, तो वो तो कारण कैसे हुआ बताइए, वो तो रिफॉर्म करेंगे तो डिजिटलाइजेशन की भी उसके साथ ही जाएगा जी, और बताइए। और तीसरा जैसे आपने कहा कि पुलिस और जनता में डिस्कनेक्ट है, तो जैसे कि पुलिस अभी भी बहुत हद तक जो कॉलोनियलिज्म का जो ट्रेंड था और उस समय जैसे काम करे, तो अभी भी बहुत वैसे ही काम कर, तो रिफॉर्म क्यों नहीं कर रही है सरकार, यही तो पूछ रहा हूँ सर। तो रिफॉर्म में तो सर मुझे मेनली पॉलिटिकल रीजन ही लगता है। ठीक, आप वेट करिए, हम आपको 2 मिनट में बुलाते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।